हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एडिक्ट, जहां आज हम बात करेंगे टॉप 5 मैजिकल एडवेंचर मूवीज के बारे में, जिसमें आपको कमाल की मैजिकल दुनिया के साथ साथ कुछ मॉन्स्टर क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इन सभी मूवीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए मूवी एडिट के साथ आज जादुई दुनिया की नगरी में। तो इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी आती है द रूम। 2019 में आई एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा मूवी है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक कपल की जो कि एक नए घर में रहने आते हैं। और यहाँ इनका सामना एक मिस्टीरियस रूम से होता है जो लोगों के सभी विशेष पूरे करता है। इनकी लाइफ पूरी तरह से उस वक्त बदल जाती है जब उन्हीं विशेष की वजह से इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अब वो कैसे और क्या वजह थी जो उस रूम में जाने के बाद इनके सभी विशेष पूरे हो रहे थे, ये सब जानने के लिए हमें देखनी होगी ये मूवी, जो अवेलेबल है 6.1 की रेटिंग के साथ हिंदी डब्ड में। तो हमारी नेक्स्ट मूवी आती है ट्रायंगल। 2009 में आई एक फैंटेसी मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक ग्रुप की जो कि समंदर में अपने वेकेशन एंजॉय करने जाते हैं, पर एक बड़ी सुनामी की वजह से ये बीचों बीच समंदर में फंस जाते हैं। और इसी बीच इनकी नजर एक रेस्क्यू शिप पर पड़ती है जो कि बहुत बड़ा होता है, और उस शिप के अंदर हर वो चीज मौजूद होती है जो एक इंसान को चाहिए, फिर भी वो पूरी तरह से खाली होती है, उसमें एक भी इंसान नहीं होता। तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या कुछ होता है इस दौरान इनके साथ इस मिस्टीरियस शिप पर, वो सब जानने के लिए हमें देखनी होगी ये मूवी, जो आपको 6.9 की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट मूवी आती है स्लम्बरलैंड। 2022 में ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है नीमो नाम की एक छोटी सी बच्ची की, जो अपने पिता की मौत के बाद अपने अंकल के साथ रहने लगती है। अभी इसकी मुलाकात होती है फिलिप नाम के एक लीड कैरेक्टर से, जो इसके साथ मिलकर एक सीक्रेट मैप के थ्रू सपनों की दुनिया को एक्सप्लोर करता है, ताकि नीमो एक बार फिर अपने पिता से मिल सके। तो अब क्या फिलिप और नीमो अपने इस सफर में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, वो सब जानने के लिए हमें देखनी होगी ये मूवी, जो अवेलेबल है 6.7 की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर। तो हमारी नेक्स्ट मूवी आती है पर्सी जैक्सन। 2010 में आई एक फैमिली फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है पर्सी नाम के एक बंदे की, जो बाकियों की तरह खुद को भी एक आम इंसान समझता है, पर इसकी लाइफ पूरी तरह से उस वक्त बदल जाती है जब इसे पता चलता है कि ये एक डेवी गॉड है, यानी कि आधा इंसान आधा देवता, जिसने ज्यूस के पावर को चुराया है। और अगर वो पावर ज्यूस को वापस ना मिली तो देवताओं के बीच एक बहुत बड़ा जंग होगा, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो अब क्या पर्सी उस पावर को ज्यूस तक पहुंचा पाता है कि नहीं, ये सब जानने के लिए हमें देखनी होगी ये मूवी, जो 5.8 की रेटिंग के साथ डिज्नी प्लस और स्टार पर अवेलेबल है। तो हमारी आखिरी मूवी आती है द हॉबिट सीरीज, जिसका अब तक 3 पार्ट देखने को मिला है। कहानी की बात करें तो कहानी घूमती है एक हॉबिट के अराउंड, जिसका नाम होता है बिल्बो बैगेंस, जो सुकून से अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, पर इसकी लाइफ पूरी तरह से उस वक्त बदल जाती है जब ये फैसला करता है एक ग्रुप के साथ एडवेंचर सफर पे जाने का, जहां इसका सामना बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर और खतरनाक ड्रैगन से होता है। तो बिल्बो इन सब का सामना किस तरह करता है और क्या कुछ होता है इस सफर में, वो सब जानने के लिए हमें देखनी होगी ये मूवी, जो 7.8 की रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को एंड। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हॉलीवुड की मूवीज और सीरीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।